गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम गैस क्रोमैटोग्राफी के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें अगर हमारे पास एक सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो हम उनको सेपरेट करने के लिए करते हैं। गैस क्रोमैटोग्राफी स्पेसिफिकली एक ऐसी क्रोमैटोग्राफी है जिसको हम यूज करते हैं वोलेटाइल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए। वोलेटाइल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि लिक्विड से गैस फॉर्म में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको जब हमें सेपरेट करना है तब हम इसके लिए गैस क्रोमैटोग्राफी यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे गैस क्रोमैटोग्राफी का अपैरेटस देख लें तो किस तरीके से प्रेजेंट होता है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक ओवन जिसके पास कॉइल्ड कॉलम होती है। ये जो कॉलम में होती है कॉइल्ड कॉलम, ये लगभग 4 मीटर की हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरीके से कॉलम प्रेजेंट होगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो इस कॉलम में क्या होता है, इस कॉलम में प्रेजेंट होता है स्टेशनरी फेज। किसी भी क्रोमैटोग्राफी में 2 फेज होते हैं, एक लिक्विड फेज होता है और एक स्टेशनरी फेज होता है। तो इसके पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा स्टेशनरी फेज। यहाँ पर आज हम जो देखने वाले हैं उस कंडीशन में स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा। तो यहाँ पर जो लिक्विड स्टेशनरी फेज होता है वो ऐसा फेज होगा जो कि हाई टेम्परेचर को बेयर कर सके, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जिसपे ये मेल्ट होता है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो लिक्विड यूज करते हैं वो वैक्सी पॉलीमर यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो ताकि वो गैस में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि वही गैस में कन्वर्ट हो गया तो वो लिक्विड कैसे रहेगा। इस लिक्विड को क्या किया होता है, इस लिक्विड को एडजॉर्ब करके रखा होता है एक सॉलिड पे, स्ट्रक्चर पे। यहाँ पर जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है वो होता है डाई एटमेशियस अर्थ, तो उसमें यहाँ पर इसको एडजॉर्ब करके रखा होता है। एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब, यानी कि वो सिर्फ सॉलिड के कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ, सरफेस की तरफ प्रेजेंट होगा लिक्विड। जैसे कि मैंने कहा ये एक डायएटमेशियस अर्थ है, तो इसके यहाँ पर सरफेस पे लिक्विड प्रेजेंट होगा। यहाँ पर ये जो डायएटमेशियस अर्थ होती है ये भी काफी पोरस होती है, बहुत ज्यादा पोर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसके ऊपर लिक्विड एब्जॉर्ब फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि हमारा बना रहा है स्टेशनरी फेज। दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखें तो एक और फेज होता है जिसको बोलते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज एक ऐसा फेज है जो कि मूव करता है। 2 फेजेस होते हैं क्रोमैटोग्राफी में, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। मोबाइल फेज यहाँ पर एक गैस होती है, और यहाँ पर एक गैस ऐसी गैस होगी जो रिएक्ट ना करे। इनर्ट गैस हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हीलियम को। हीलियम यहाँ पे एक बेस्ट चीज होती है, बेस्ट गैस होती है जिसको यहाँ पे एज अ कैरियर गैस के तौर पर यूज किया जाता है, तो ये यहाँ से एंटर करेगी। मोबाइल फेज हो गया हीलियम, स्टेशनरी फेज हो गया लिक्विड। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमारे सैंपल को इंजेक्ट करेंगे जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सबसे पहले किसको इंजेक्टर ओवन में डाला जाता है जिसका जो टेम्परेचर होगा वो काफी ज्यादा होगा। इस ओवन के कंपैरेटिवली इंजेक्टर ओवन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जितने भी सैंपल यहाँ पे एंटर करेंगे सारे के सारे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी सैंपल है वो सारे के सारे यहाँ पर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहां से सैंपल मूव करेगा इस ओवन में। इस ओवन का टेम्परेचर वेरी हो सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस भी आप रख सकते हो, 250 डिग्री सेल्सियस तक भी आप रख सकते हो, तो यहाँ पर ये वेरी करता रहता है। तो ये जितने भी चीजें ये यहाँ पे एंटर कर जाएगी, यहाँ पर ये सैंपल भी एंटर कर जाएगा, कैरियर गैस भी एंटर कर जाएगी। कैरियर गैस एक मोबाइल फेज है। अब यहाँ पर जो ये कैरियर गैस है मूव करती जाएगी और बाहर निकल जाएगी, इसी के साथ साथ ये सैंपल भी मूव करेगा। अब सैंपल की जो स्पीड है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगी, तो हम वो चीज देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास सैंपल है, अब सैंपल किस स्पीड से मूव करेगा वो काफी सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आती है वो है कि सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यहाँ पर वो कितने पे क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा, वो हम देखते हैं। यहाँ पर भी जो मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा कि वो कितने पे बॉइल हो जाएगा और गैस बन जाएगा। यहाँ पर पहली चीज है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, अगर हमारे पास एक सैंपल में मॉलिक्यूल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ज्यादा कहने का मतलब है कि हमने जो ओवन में टेम्परेचर दिया है 50 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक, इससे भी इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, इस कंडीशन में लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। अगर ये लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट है तो ये बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा ओवन में और जल्दी से बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये क्या निकलेगा, ये यहाँ पर ओवन में ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा और इसका जो रिलीज होगा कॉलम से वो लेटर होगा, तो ये लेटर बाहर आएगा, ये बाहर ओवन से लेटर निकलेगा।
वही अगर मैंने कहा कि एक का बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वो फटाफट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वो किससे इंटरैक्ट करेगा, कैरियर गैस के साथ इंटरैक्ट करेगा, और पीछे से यहां पर क्या हो रहा है, कैरियर गैस आई जा रही है आई जा रही है आई जा रही है, तो वो भी फट 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 यहां से कॉलम से निकल जाएगा। तो इसका जो रिलीज होगा वो यहां से क्या होगा, सून होगा। कहने का मतलब है कि फट 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 बाहर निकल जाएगा। तो पहली चीज क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि सैंपल से चीजें कितनी जल्दी निकलेंगी, लेट निकलेंगी। दूसरी चीज अगर हम यहां पर देखें तो कौन सी होती है कि यहां पर जो हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है वो किस तरीके से स्टेशनरी फेज से इंटरैक्ट करता है। जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर मेरे पास जो सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा स्टेशनरी फेज से इंटरैक्ट कर रहा है। अगर वो स्टेशनरी फेज से ज्यादा इंटरैक्ट करेगा तो वो उस कंडीशन में अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी फेज अंदर प्रेजेंट है तो वो वहीं पर ही रह जाएगा। तो अगर यहां पर इंटरैक्शन ज्यादा होगी तो वो अंदर ज्यादा रहेगा, वो अंदर ज्यादा रहेगा तो वो स्लो स्लो निकलेगा, तो वो बहुत लेटर निकलेगा। तो यहां पर क्या होगा, इसका स्लो रिलीज होगा, ये बहुत बाद में आपको देखने को मिलेगा बाहर। वही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि स्टेशनरी फेज के साथ इंटरैक्शन लेस दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में उसका रिलीज जो है वो फास्ट रिलीज हो जाएगा, वो फट 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 यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज से इंटरैक्ट कर ही नहीं रहा है। तो बोलेगा मैं अंदर रुक के भी क्या करूं, मैं यहाँ पे गैस के साथ फटाफट बाहर निकल जाता हूँ। तो दो चीजों के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड सब्सटेंस और स्टेशनरी फेज के बीच में इंटरेक्शन कितना है। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना वो अंदर रुकेगा, जितना कम इंटरेक्शन होगा उतना ही जल्दी वो बाहर आ जाएगा। अब यहां पर जब ये सब हो जाता है तो बाहर यहां पर आपका आउटलेट होता है जिसको आप कनेक्ट करोगे किसी और मशीन के साथ ताकि आपको यहां पर अपना डेटा मिल जाए। तो यहां पर इसको हम कनेक्ट करते हैं जनरली मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ, मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ। तो यहां पर ये क्या करता है, यहां पर ये इसको हम यूज करके हमारा जितना भी डेटा हमारे पास बाहर आया उसको एनालाइज करते हैं, हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स आया वो हम एनालाइज करते हैं। जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें इस तरीके का एक ग्राफ शो करने को मिलता है, इस तरीके से हमें यहाँ पे एक ग्राफ मिलेगा जिसमें ये पीक क्या बता रही है, पीक आपको बता रही है कि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल बाहर निकल के आया। ये जो लाइन है नीचे ये आपको बेस लाइन बता रही है कि अभी तक यहां से कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला है, अभी तक तो कुछ बाहर निकला है, सिर्फ ये इनर्ट गैस बाहर निकले जा रही है, तो ये बेस लाइन बता रहा है। यहां पर ये पीक आपको बता रही है कि कोई मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल निकला होगा, फिर ये मॉलिक्यूल, फिर ये मॉलिक्यूल, यानी कि तीसरा नंबर वाला सबसे ज्यादा अंदर था और सबसे लेट बाहर निकला। तो यहां पर अगर हम देखें यहां पर हम रिटेंशन टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रिटेंशन टाइम का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल कितने टाइम तक रिटेन रहा कॉलम के अंदर, जितना ज्यादा अंदर रहेगा उतना ज्यादा उसका रिटेंशन टाइम होगा। इस तरीके से हमें पीक मिल जाएगी। अब यहां पर ये जो पीक है इसको भी हम वेरी कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो ओवन है, मेन ओवन है, इसका हम टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहां पर इस ओवन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रखा तो उस कंडीशन में लगभग सारे मॉलिक्यूल्स मेल्ट हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में सारे मॉलिक्यूल्स फटफट फटफट निकलेंगे, तो मुझे इतनी अच्छी पीक नहीं मिलेगी, मुझे इतना अच्छा सेपरेशन नहीं मिलेगा। हाँ, गैस क्रोमैटोग्राफी तो जल्दी हो जाएगी लेकिन यहां पर पीक मुझे बहुत पास पास मिलेगी, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी मेल्ट बॉइल हो रहे हैं, सॉरी सारे मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी बॉइल हो रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी गैशियस फॉर्म में जा रहे हैं। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं फट 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 बाहर निकल जाएंगे, तो पीक्स मुझे बहुत पास पास मिलेगी, हो सकता है ओवरलैप भी हो जाए। वही दूसरी तरफ अगर मैंने यहाँ पे ओवन का टेम्परेचर लो रखा तो टाइम लगेगा उनको बाहर निकलने में, बॉइल इतनी जल्दी नहीं होगी, इतनी जल्दी बॉइल ना होने की वजह से उनको टाइम लगेगा बाहर निकलने में। तो अगर जितना ज्यादा उनको टाइम लगेगा उतना ही अच्छा मुझे यहाँ पे पीक मिलेगा, पीक का सेपरेशन मिलेगा और उतने अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर पाऊंगी। तो इस तरीके से गैस क्रोमैटोग्राफी होती है कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास जो प्रेजेंट है वो कितने अच्छे से गैस और लिक्विड फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इस क्रोमैटोग्राफी को हम गैस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि गैस यहाँ पर कैरियर है यानी कि मोबाइल फेज, और लिक्विड यहाँ पे स्टेशनरी है। लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे कि मैंने कहा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा,